रौद्र रस। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध होता है। रौद्र रस वहाँ होता है जहाँ अनुचित कार्यों या शत्रु की अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। किसी अपकारी या विरोधी द्वारा समाज, धर्म, देश या पूज्य व्यक्ति का अहित, निंदा और अपमान आदि करने से जो क्रोध का भाव पुष्ट होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलय अर्थ उनके मिस्र में महा क्या काल ही क्रोधित हुआ। यहाँ अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ और कौरवों की प्रसन्नता आलंबन है। अभिमन्यु की अकेले 7 महारथियों द्वारा मारना और श्री कृष्ण जी के वचन उद्दीपन है। आश्रय यहाँ है अर्जुन, शरीर का कांपना, मुख का लाल होना अनुभव है, उग्रता संचारी भाव है। इनसे पुष्ट क्रोध नामक स्थाई भाव रौद्र रस उत्पन्न कर रहा है। अर्थात यहाँ अगर हम देखें तो स्थाई भाव क्रोध है कि जो सदा मन में स्थापित रहता है। कि जब अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु को जयद्रथ और कौरवों ने मार कर वे प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, तो उस समय अर्जुन के मन में यह क्रोध आया है कि उस समय ऐसा लगा कि जैसे सोता हुआ सागर जगा, कि अर्जुन का शरीर कांप रहा था, लाल था क्रोध के कारण। तो इसलिए यहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। एक अन्य और उदाहरण देखिए, रे नृप बालक कालवश बोलत तोई न संभार। यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्तियों में से परशुराम का संवाद है कि जब परशुराम क्रोधित होकर सभा में आए और धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछने लगे, राम ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और लक्ष्मण व्यंग्य करने लगे, तब परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वही क्रोध रौद्र रस में परिवर्तित होता है। परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं, रे नृप बालक काल वश की, अरे राजा के बालक, तू काल के वश में हो गया है, मौत के वश में हो गया है, बोलत तोई न संभाल, इसलिए तू संभल कर बोल नहीं रहा है, सोच समझ कर जवाब नहीं देता। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि बचपन में जो तूने छोटे छोटे धनुष तोड़े थे वे इस शिव धनुष के समान तुझे लगते हैं, जबकि विदित सकल संसार, कि सारा संसार जानता है कि यह शिव धनुष है, मैं शिव का भगत हूँ और शिव जी का अपमान मुझे असहनीय है, उसके बाद भी अरे राजा के बालक, तू दुस्साहसी बनकर अपना मत रख रहा है या कुतर्क दे रहा है। इस तरह परशुराम का क्रोध रौद्र रस में बदला है।